में चैनल। तो भैया अगर चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देन उसे अपने दोस्तों के साथ जल्द से शेयर करना। तो ऐसा है दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम आज आप लोगों के लिए एक और सेकेंड हैंड शोरूम लेके आ रहे हैं। तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा। तो भाई इस ब्लॉग में हम आपको लेके जा रहे हैं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा दुंदु, जो सिंहभूम चैवासा से महज 38 किलोमीटर दूर है, अप्रोक्स मान सकते हैं हाँ 38 किलोमीटर दूर है। अभी तक जैसे कि हम गए हुए हैं तो हमको डिस्टेंस उतना ही लगा है। और तो वो एक शोरूम जो बाइक का है, तो हम लोग आज वहीं जा रहे हैं। तो आपको वहाँ बहुत ही चीप रेट में स्कूटी बाइक और जो भी गाड़ियाँ हैं आपको देखने मिलेगी। हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ वहाँ अवेलेबल है और किस रेट पे अवेलेबल है, सारा चीज़ हम आपको दिखाते हैं। आप देख ही रहे हैं, अभी हम लोग ऑन द वे हैं। और दूसरा चीज़ क्या है, अगर आप चैवासा सिंहभूम से निकलिएगा और तांबो चौक होते हुए कोकचो, फिर कोकचो से तंतनगर, तंतनगर होते हुए सीधा स्ट्रेट रोड जाइएगा उड़ीसा वाला जो बालदा की ओर जाता है, वही रोड पर आपको बालदा से ठीक पहले दुंदु मिलेगा। दुंदु नाम का एक जगह है, तो आपको वहीं विजिट करना है। और जो भी अगर आपको कोई क्वेरी है इस वीडियो के लेकर, तो हम मोबाइल नंबर उस एक शोरूम का जो भी है सारा डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या तो वीडियो के डिस्प्ले में अपने आप ऑटोमेटिक दिख जाएगा। आप लोग वहां उस नंबर को देख के उस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको डिटेल जानकारी चाहिए वहाँ का। तो मिलते हैं भाई, तो इस ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देन उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर के, चलिए चलते हैं। ड्यूक हमें लग रही है, कौन सी मॉडल है? 2018 मॉडल है। और गाड़ी कितनी भागी हुई है, लगभग कितना गया हुआ है, भागा हुआ है गाड़ी? 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर है ये। फर्स्ट ओनर गाड़ी है? फर्स्ट इन गाड़ी है। इसका प्राइस क्या? इसका आपको पड़ेगा 95। कौन सा सीसी है? 200 है। और ये हॉर्नेट? इसका क्या प्राइस पड़ेगा? इसका पड़ेगा आपको 56 कितना? 56 गाड़ी 2018। और बहुत ही डिमांडिंग चीज़ हम मुझे दिख रही है यहाँ पे, RX 100 यामा का, बहुत ही मतलब बोले तो डिमांड रहता है। और इसका अभी मॉडिफाई किया गया है, मतलब कलर में कुछ चेंजिंग है। गाड़ी आपको 360 एंगल से दिखा दे रहे हैं। क्या क्या पड़ेगा इसका प्राइस भाई? ये जे एच पेपर अपडेट है पूरा, पेपर अपडेट है पूरा। ओडी क्या बोलते हैं? डीआर नंबर। अच्छा ठीक, पूरा नया चक्का लग रहा है? नहीं, दोनों नया चक्का लग रहा है। सही है, आगे पीछे दोनों नया चक्का है क्या? पूरा बीट बना हुआ है, शॉकर ऊपर भी नया लगा, थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ गाड़ी, कलर भी हुआ। सही लग रहा है। कितना दाम बताया था इसका? गाड़ी दाम बताया था, हो जाएगा 30-40। और जिसको चाहिए वो आके ले जाए, 50 में भी लेके चल जाए, लेके चल जाए। पागल ऐसा रहता है, जो शौकीन है जो RS 50,000 में भी लेके चल जाता है। वैसे तो इसका दाम अप्रोक्स 40 आसपास। हाँ 40, नेगोशिएशन हो जाएगा आके मिलने से। लगाया गया एक्स्ट्रा, जो कि ये मतलब रॉयल का है, सीट भी ओरिजिनल है, सारा कुछ फर्स्ट हैंड का गाड़ी है। गाड़ी तो फुल चकाचक लग रहा है, और नीचे भी एलॉय व्हील भी मॉडिफाइड है। एलॉय लगाया गया, मॉडिफाइड है क्या? बुलेट में एलॉय आता नहीं है। बुलेट है। इसका क्या पड़ेगा प्राइस? ब्लैक एडिशन जो नया मॉडल अभी चला हुआ मार्केट में, ये मतलब आगे से आप देख सकते हैं, इसका पूरा मॉडिफाइड किया हुआ है। लाइट भी देख सकते हैं, इल्यूमिनेशन सिस्टम देख सकते हैं इसका। इसका क्या प्राइस पड़ेगा दोस्त जी? क्या प्राइस पड़ेगा इसका प्राइस? इसका पड़ेगा आपको 135 पड़ेगा। 135, 350 क्लासिक। ये फिक्स रेट नहीं है, नेगोशिएशन हो जाएगा। मतलब 1,30,000 नहीं, मतलब आप अगर आके बात करते हैं, 1,35,000 नहीं, मतलब आके अगर आप बात करते हैं तो उसमें नेगोशिएशन हो जाएगा। हम लोग का शोरूम विजिट करिए, आप विजिट करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर कौन जो गाड़ी आपको ऐसा लगता है सेटिस्फाई, आप जो गाड़ी में आप ले सकते हो लीजिए वो गाड़ी। ठीक है, और भी गाड़ी है आप लोग आपको दिखाते हैं। फेजर, इसका क्या पड़ेगा प्राइस? इसका प्राइस कम पड़ेगा, इसका पड़ेगा आपको 45 पड़ेगा।
2016 का मॉडल है और ये जमशेदपुर नंबर है। कितना पड़ेगा इसका गाड़ी है? कितना पड़ेगा? 45 प्राइस। बहुत ही सस्ता और बहुत ही लो जाएगा, फिक्स प्राइस नहीं है। 45 बोला जा रहा है लेकिन नेगोशिएशन इसमें हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी 45 में आपको कोई फेजर मिल जा रहा है तो, और इससे अच्छा और क्या ही बताएं। और एक बात, आप हमसे कोई सभी व्हीकल्स परचेस करते हैं तो आपको 3 मंथ्स इंजन का वारंटी मिलता है। अगर 3 महीने के अंदर में इंजन में कोई भी प्रॉब्लम होता है, हम लोग आपको फ्री में सर्विस करके देते, जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब 3 मंथ आपको मिलेगा का आपको इंजन का वारंटी मिलेगा 3 मंथ्स के अंदर। गाड़ी परचेस करने के बाद 3 मंथ्स के अंदर अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है ओनली इंजन पे, तो आपको यहाँ पर सर्विस अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। हीरो का प्लेजर है, नया मॉडल है। नया मॉडल है तो हल्का गाड़ी लेडीज के लिए एकदम बेस्ट होता है, लेडीज के लिए। या इसका प्राइस क्या पड़ेगा? इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 32 पड़ेगा। 32 फिक्स नहीं है, नेगोशिएशन हो जाएगा। मतलब 32 फिक्स नहीं है, नेगोशिएशन हो जाएगा। और ये आपका, ये भी आपको 3 मंथ का वारंटी मिलेगा। मतलब सब गाड़ी में 3 मंथ का, कोई सी गाड़ी में आपको 3 मंथ का वारंटी मिलेगा। ये भी प्लेजर है। और इसका प्राइस क्या होगा? ये आपको पड़ेगा 36। ये 36 ये प्लेजर है, ये आपको कम पड़ेगा। ये कितना पड़ जाएगा? ये ओल्ड मॉडल है। हाँ, ये मतलब ओल्ड मॉडल नहीं है, मतलब आपका 12 का मॉडल है। अच्छा, 12 का मॉडल है, सॉरी 9 लास्ट 10 का मॉडल है। अच्छा, 9 10 का मॉडल। इसका दाम कितना पड़ जाएगा? 30। लेकिन निश्चिंत रहिए आप, ठीक आपको मिल जाएगा। ये डीओ मंडा का जो डीओ होता है, ये देख सकते हैं, डीओ रेड कलर पे डीओ है। 2014 मॉडल है, फर्स्ट टाइम का गाड़ी है, लेडीज हैंड गाड़ी, लेडीज यूज किया हुआ गाड़ी है। अच्छा, ये भी फर्स्ट हैंड है जी, जेस गाड़ी है। ये आपको आ जाएगा 45 में आ जाएगा। 45 ये होंडा की लग रही है स्कूटी, बहुत ही वो साइनिंग कर रही है। तो इसका क्या प्राइस होगा दादा? ये 38 आएगा। 38। और ये हीरो का मेस्ट्रो है, हीरो का मेस्ट्रो है। इसका क्या प्राइस पड़ेगा? 43 आएगा। 43 ये देख सकते हैं, अभी मतलब बिजनेस पर्पस में जो गाड़ी यूज होता है, जैसे हमारा टीवीएस एक्सेल। टीवीएस एक्सेल का नाम से हम जानते हैं। हां, इसका क्या प्राइस पड़ेगा? ये आपको आ जाएगा हेवी ड्यूटी है, एक्सेल 100। तो दो वैरायटी आता है, एक होता है हेवी ड्यूटी, एक होता है एक्सेल 100। एक्सेल 100 में क्या होता है, ओनली फॉर पेट्रोल यूज होता है। हेवी ड्यूटी में ना पेट्रोल एंड मोबिल मिक्स होता है, दोनों मिक्स होता है। और इसका क्या प्राइस पड़ेगा? इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा आपको 44 पड़ जाएगा। 44 और ये भी हैवी ड्यूटी है। तो भाई ये आप यहाँ आइए, विजिट कीजिए, और जो भी ये बिजनेस पर्पस हो या अपना डोमेस्टिक घर में यूज के लिए ही, कोई भी गाड़ी आप ले सकते हैं यहाँ से। 150 क्या पड़ेगा इसका? 32,000 मॉडल है आपका, 2010 का मॉडल, 10 लास्ट का मॉडल है। 2010 का मॉडल है। और ये 150 पुराना मॉडल है, कम पड़ेगा आपको। क्या पड़ेगा इसका प्राइस? ये आपको पड़ेगा 30,000 पड़ेगा। 30,000 मतलब 20-30 हज़ार में आप यहाँ से गाड़ी लेकर जा सकते हैं। इतना डिस्काउंट नहीं होगा, लेकिन डिस्काउंट जितना हम लोग को होता है, हम लोग मतलब नेगोशिएशन हो सकता है पहुँच के। हाँ, हीरो का एक्सट्रीम है, हीरो का एक्सट्रीम है, इसका पड़ेगा 42,000 पड़ेगा। 42,000 तो ये 16 मॉडल है, ये भी एक सर्विस होल्डर का गाड़ी है। एक सर्विस होल्डर की गाड़ी है। अच्छा, ज़्यादातर सर्विस होल्डर का ही गाड़ी, सर्विस होल्डर का ही गाड़ी सब। हाँ, कम यूज रहता है और कंडीशन में रहता है। और ये भी बहुत डिमांडिंग गाड़ी है, माइलेजदार आपका योगा, ड्रीम योगा। इसका क्या प्राइस पड़ेगा? क्या प्राइस पड़ेगा इसका? 45,000। और आगे ये बजाज का डिस्कवर है, बजाज का डिस्कवर है। खैर आजकल तो खैर डिमांड में नहीं रहता है, लेकिन जिसको ज़रूरत है वो गाड़ी ले गई, माइलेज बेस्ड गाड़ी है। तो ये डिस्कवर का क्या प्राइस पड़ेगा आपको? डिस्कवर का पड़ जाएगा 32,000। 32,000 नेगोशिएशन हो जाएगा। ये पैशन प्रो, ये पैशन प्रो है। इसका क्या प्राइस पड़ेगा दादा? ये पड़ेगा आपको 46 पड़ेगा। 46,000
सब पैशन प्रो लग रहा है। ये 49,000 ये पैशन प्लस है। इसका क्या पड़ेगा? इसका पड़ेगा 38। ये पुराना मॉडल कितना पड़ेगा इसके? 30,000। ये आपको 26,000 पड़ेगा। ये भी पैशन है इसका? 26,000। ये स्प्लेंडर है? ये स्प्लेंडर है। ये भी बहुत डिमांडिंग गाड़ी है। कार्बोरेटर गाड़ी है। इसका क्या पड़ेगा? ये आपको 35,000। ये भी स्प्लेंडर है? हाँ, ये भी एक स्प्लेंडर है। तो यहाँ लाइन ही लाइन आपको स्प्लेंडर की गाड़ियाँ दिखेगी। तो अप्रोक्स हमको लगता है अंडर 30 के अंदर आराम से आ जाएंगे क्या? ये सीडी डिलक्स, इसका क्या प्राइस पड़ जाएगा दोस्त? 43। ये भी सीडी डिलक्स है और इसका प्राइस और ये सीडी डॉन है। सीडी डॉन का क्या प्राइस पड़ जाएगा? ये भी बहुत डिमांड में रहती है आजकल। क्या प्राइस पड़ जाएगा इसका? ये 32,000 पड़ेगा। 32,000 रेट है, नेगोशिएशन हो जाएगा। ठीक है, हमारा शोरूम विजिट करिए आप, नेगोशिएशन आपको मिल जाएगा। इसमें भी स्टॉक है, हम लोग पास बहुत सारे स्टॉक है। स्टॉक अंदर इसलिए स्प्लेंडर प्रो जी, हीरो। अच्छा, इसका क्या प्राइस पड़ जाएगा? ये आपको पड़ेगा 56,000। नेगोशिएशन हो जाएगा। ऊंचा मॉडल गाड़ी है, कार्बोरेटर वाला गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये स्कूटी में बसपा गवर्नमेंट आजकल मतलब मार्केट में डिमांडेड गाड़ी रहती है। बहुत डिमांडेड है। आपके पास इधर साइड 150 सीसी इसका ये आपका ड्रीम योगा है। ड्रीम योगा होंडा का जो ड्रीम योगा है ना, नया मॉडल है। इसका क्या पड़ जाएगा प्राइस? इधर इसका पड़ेगा 53। ये HF डिलक्स है, जो कि मार्केट में सबसे दमदार गाड़ी है, डिमांडेड रहता है, मालिकदार गाड़ी है। ये हाँ, मालिकदार गाड़ी है, हीरो का ये HF डिलक्स है। तो भाई इतना सस्ता में और कहाँ ही मिलेगा आपको, है ना? आप हमारे शोरूम एक बार विजिट करिए, रेट में नहीं जाइए, आपको जो रेट बताया जा रहा है उसमें से नेगोशिएशन हो जाएगा। और इधर सिटी ये भी HF डिलक्स है। ये हीरो का फैशन प्रो है। फैशन प्रो हीरो का क्या? इसका क्या प्राइस पड़ जाएगा? ये स्पोर्ट गाड़ी है, मतलब कार्बोरेटर वाला गाड़ी। कार्बोरेटर वाला गाड़ी, ये भी कार्बोरेटर वाला गाड़ी। ये ग्लैमर है, ये 2019 का मॉडल है। 2019 का मॉडल है, ग्लैमर VS4 कार्बोरेटर वाला गाड़ी। अच्छा अच्छा, ये भी 2019 का मॉडल है, सेम। क्या प्राइस पड़ जाएगा दोनों ग्लैमर का? दोनों ग्लैमर का इसका पड़ेगा आपको 56 पड़ेगा, उसका पड़ेगा आपको 54 पड़ेगा। नेगोशिएशन हो जाएगा, रेट में नहीं जाइए। ठीक है, जो रेट बताया जा रहा है उसमें आप माइंड में थोड़ा और कम हो सकता है। हाँ, नेगोशिएशन हो जाएगा। तो सर जी से सारा गाड़ी का डिटेलिंग ले लिए हैं अभी, तो सर आपसे पूछना चाहेंगे इसका एग्जैक्ट लोकेशन आप यहाँ का रिव्यू करके बता सकते हैं कि कहाँ से आया लोकेशन? 8 पोस्ट बड़ा बिंदु PS बालघर डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा, जो आपका 400 रोड में पड़ता है। इस लोकेशन को हम लोग धुंधु बोलते हैं। ये आपका जिला मयूरभंज पड़ता है, मयूरभंज जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज पड़ता है अब उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो ये सिंहभूम से चाईमासा से महज 38 किलोमीटर इसका डिस्टेंस पड़ता है। तो मैं भी अगर आपको गाड़ी का शौकीन है, यदि आप नया गाड़ी परचेस नहीं कर पा रहे हैं, सेकेंड हैंड आपको लेना है, तो इस लोकेशन पे आप आराम से आ सकते हैं। क्योंकि आपको ये लोकेशन ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि 38 किलोमीटर ज़्यादा दूर है सिंहभूम से। तो आपको यहाँ पर लो से लो कॉस्ट में स्कूटी बाइक स्पोर्ट बाइक जो भी है सारा ये यहाँ आपको अवेलेबल है और आराम से आप यहाँ आके गाड़ी परचेस कर सकते हैं। और सर पेपर ऊपर का क्या कंडीशन है? पेपर जैसे कि आप परचेस करते हैं गाड़ी तो आपका आधार कार्ड ले जाइएगा, दो फोटो ले लीजिएगा और आपके सिग्नेचर ले लीजिएगा। तो जैसे कि हम और एक सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे कि कोई भी जैसे गाड़ी हम लोग लेते हैं तो
तो पेपर वगैरह का काम सिर्फ सेम जो भी कॉस्ट है गाड़ी का उस कॉस्ट पे ही पेपर का काम कंप्लीट होगा कि हमको अलग से पे करना होगा? का कॉस्ट जो होता है ना वो अलग से पे करना होगा। कितना पे करना होगा कोई भी गाड़ी का पेपर का काम? आरटीओ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे आप उड़ीसा गाड़ी लेंगे आरटीओ का, जमशेदपुर का लेंगे उसमें रेट कम, चालासा का लेंगे थोड़ा रेट। फिर भी अप्रोक्स आप बता दें 3,000-2,000 जो भी एक्स्ट्रा लगेगा। जमशेदपुर का 3,500 रुपये लगता है विद इंश्योरेंस, चालासा का 4,000 विद इंश्योरेंस, 1 ईयर इंश्योरेंस, उड़ीसा नंबर में 2,500 रुपये लगता है विद इंश्योरेंस। तो अगर आप बाई पार्टी अगर आप कोई भी गाड़ी जैसे कि 40,000 में कोई गाड़ी परचेस करते हैं तो पेपर वर्क के लिए आपको कम से कम और 3 से 4,000 आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान में रखिएगा। और आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो, ये 2 चीज़ आपको लेके आना। और महज 38 किलोमीटर पड़ेगा सिंहभूम चैमासा से यहाँ का डिस्टेंस। अगर आप चैमासा से निकलते हैं तो चैमासा से निकलने के बाद कोकचो तंतनगर होते हुए सीधा आपको स्ट्रेट रोड पर आना है। और उसके बाद आपको एक धुंधू बोल के एक जगह है, धुंधू बोल के एक जगह है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बात बाकी जो भी है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, यहाँ का कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी है सर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप किसी भी समय अगर आपको वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि कॉन्टैक्ट करना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा आपका, आप खुद फ़ोन करके यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।